जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि यदि आपने अपने घर में तुलसी का पौधा लगा रखा है तो ये बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्राचीन काल से ही यही परंपरा चली आ रही है कि घर में तुलसी का पौधा होना जरूरी है। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय और पवित्र देवी स्वरूप में माना गया है। इस कारण घर में तुलसी हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि ये बातें ध्यान रखी जाती है तो सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। घर में सकारात्मक और सुखद वातावरण बना रहता है। पैसों की कभी कमी नहीं आती है और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता रहता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी तुलसी के संबंध में। दोस्तों, पहली बात करते हैं कि कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जिन पर तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन है एकादशी, रविवार और सूर्य हो या चंद्र ग्रहण काल हो। इन दिनों में और रात्रि के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। वैसे तो दोस्तों, रात्रि में किसी भी वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही उसको हिलाना डुलाना चाहिए, और बिना उपयोग तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है और अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। दूसरी जानकारी है तुलसी का पूजन करना। हर रोज तुलसी का पूजन करना चाहिए। साथ ही रोज सुबह तुलसी में एक शुद्ध जल से घड़े से जल अर्पित करना चाहिए रोज, और हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगाते हैं और सुबह के समय उसमें जल अर्पित करते हैं तो उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। और तीसरी बात करते हैं, तुलसी से दूर होते हैं वास्तु दोष। तो दोस्तों, घर में या फिर आंगन में होने से कई प्रकार के वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं मात्र तुलसी से, और परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी शुभ असर पड़ता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो बुरी नजर भी नहीं लगती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा होने से घर वालों को बुरी नजर प्रभावित नहीं कर पाती है। साथ ही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाती है। सकारात्मक ऊर्जा को बल मिलता है। यदि आप नियमित रूप से तुलसी में जल अर्पित करेंगे और रोज शाम को वहां पर दीपक जलाएंगे तो कभी भी आपको बुरी नजर नहीं लगेगी दोस्तों। और तुलसी का पौधा यदि आपके घर में सूख जाता है तो उसको घर से हटा दें। यदि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी में या तालाब में या फिर कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए। और तुलसी का सूखा पौधा घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जब तुलसी का पौधा सूख जाता है और आप उसे हटा देते हैं तो फिर तो तुलसी रहती नहीं आपके पास, फिर किसकी पूजा करेंगे? तो उस वक्त आप ऐसा करें कि जब भी आपको लगे कि तुलसी का पौधा सूख रहा है तो आप उसी स्थान पर उस तुलसी के कुछ बीजों को वहीं पर डाल दें, जिससे कि दूसरी तुलसी का पौधा वहीं पर उत्पन्न हो जाएगा। जब ये पौधा सूख जाएगा तो दूसरा पौधा फिर से तैयार हो जाएगा, एक हरा भरा, उसकी पूजन करें। तो इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ दोस्तों, तुलसी भी है औषधीय, तो तुलसी का धार्मिक महत्व तो है। साथ ही आयुर्वेद में इसे संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी में कई ऐसे गुण होते हैं जो कई बीमारियों को दूर करने और उनकी रोकथाम करने में सहायक होते हैं। तो तुलसी का पौधा घर में रखने से उसकी सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और हवा में मौजूद बीमारी फैलाने वाले कई सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। और तुलसी की सुगंध हमें सांस संबंधी कई रोगों से बचाती है। साथ ही तुलसी की एक पत्ती रोज सेवन करने से हम सामान्य बुखार से बच सकते हैं, मौसम परिवर्तन के समय होने वाले स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाव हो सकता है।
तुलसी की पत्ती सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है, लेकिन हमें नियमित रूप से तुलसी की पत्ती का सेवन करते रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, इसके साथ ही एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पत्तों को कभी चबाना नहीं चाहिए। तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्तों को चबाए नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोग में लाभ प्राप्त होता है। तुलसी के पत्तों में पराधातु के तत्व भी विद्यमान होते हैं, जो कि पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं। ये तत्व दांतों के लिए फायदेमंद नहीं है, अतः तुलसी के पत्तों को बिना चबाए निगलना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ हमने आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी बताई है तुलसी से जुड़ी। तो यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और यदि आप इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे समाधान प्लस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बिना देर किए। और दोस्तों, आप हमें ट्विटर और गूगल प्लस पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और अब मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की जानकारी लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।